असलकुम अगर आप पास्ता लवर्स हैं तो फिर आपको फेटा चीज़ पास्ता बहुत पसंद आएगा इसका टेस्ट बाकी बनाए जाने वाले पास्ता के टेस्ट से डिफरेंट होता है फेटा चीज़ और चेरी टोमेटोज़ के कॉम्बिनेशन से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है अगर चेरी टोमेटोज़ अवेलेबल ना हो तो आप दूसरे टोमेटोज़ यानी जो रेगुलर टोमेटोज़ होते हैं उससे भी बना सकते हैं दोनों की रेसिपीज़ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी तो इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ यहाँ मैंने कुछ चेरी टोमेटोज ले लिए हैं इससे हम एक ज़बरदस्त सा सॉस बनाएंगे चेरी टोमेटोज़ के बहुत फायदे होते हैं इसमें कैलरीज बहुत कम होती हैं लेकिन फाइबर ज़्यादा होता है इसके अलावा इसमें विटामिन ए एंड सी भी होता है तो अब इसे हमने पहले वॉश कर लेना है वॉश करने के बाद एक डिश लेंगे और इसमें ये सारे टोमेटोज डाल देंगे इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही रेड क्रश्ड चिलीज भी ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे सॉल्ट हमने कम ऐड करना है क्योंकि फैटा चीज सॉल्टी होती है अब इसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे अगर ऑलिव ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप कोई सा भी जो कुकिंग ऑयल होता है वो इसमें ऐड कर सकते हैं इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा क्योंकि सॉस बनाने के लिए हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे ऑयल तकरीबन मैंने वन फोर्थ कप के करीब डाला है अब इसे मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद सेंटर में जगह बनाएंगे और फैटा चीज़ रख देंगे फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है थोड़ी सी इसमें क्रश्ड रेड चिल्ली डालेंगे ब्लैक पेपर डालेंगे और फिर इसे हमने बेक करना है 30 से 40 मिनट्स के लिए 200 हंड्रेड सेल्सियस पर जब तक टोमेटोज बेक होते हैं या हम पास्ता बॉयल कर लेते हैं पास्ता आप अपनी मर्जी का कोई सा भी ले सकते हैं चलें जी ये बेक हो गए हैं तकरीबन थर्टी से थर्टी फाइव मिनट्स लगा है बेक होने में अभी ये गरम-गरम है तो इसे हमने मैश कर लेना है मैश करके फिर इसका एक जबरदस्त सा सॉस बन जाएगा अच्छा मैश इसे हमने बहुत ज्यादा नहीं करना इसे हमने खड़ा खड़ा ही रखना है फिर जब इसके चंक्स मुंह में आएंगे तो मज़ा ही दुबाला हो जाएगा टमाटोज और फैटा चीज़ को मैश करने के बाद अब इसे हमने मिक्स कर लेना है जब अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो अब इस पॉइंट पर आकर आपने टेस्ट कर लेना है अगर आपको सॉल्ट कम लगे ब्लैक पेपर आप ऐड करना चाहें या चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं अब इसके बाद हमने इसमें पास्ता ऐड कर देना है इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इस तरह से हमारा जो सॉस है वो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा अच्छा ये वही पानी है जिसमें पास्ता बॉईल किया था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था इसमें डाल के मिक्स करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे वरना नहीं डालेंगे चलें जी हमारा पास्ता रेडी हो गया है अब मैं आपको खाकर बताती हूँ कि ये कैसा बना है चेरी टोमेटोस और फैटा चीज़ के कॉम्बिनेशन से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और स्पेशली जो टोमेटोस मैश हुए हुए हैं यानी पूरी तरह से हमने मैश नहीं किए वो जब उसके चंक्स मुंह में आते हैं तो और ही ज़्यादा ये डिलीशियस लगता है अब आ जाते हैं फैटा पास्ता की दूसरी रेसिपी की तरफ डिश में मैंने फैटा चीज़ रख दी है और इसमें जो रेगुलर टोमेटोज़ हैं उन्हें कट करके डाल दिया है और इसके साथ ही हमने इसमें गार्लिक भी डाल देना है अच्छा वो जो पहली वाली रेसिपी थी उसमें मुझे याद नहीं रहा था गार्लिक डालना जब आप बनाएं तो उसमें गार्लिक आपने ज़रूर डालना है इससे टेस्ट अच्छा बनता है अब इसमें स्पाइसेस भी वही वाले ऐड कर दिए हैं बस फ़र्क इतना है कि इसमें मैंने वाइट पेपर पाउडर डाला है जबकि जो पहली वाली रेसिपी थी उसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर डाला था अब इसे बेक करेंगे बेक करने के बाद ग्राइंड करेंगे ग्राइंड करने के बाद इसका कलर रेड नहीं रहेगा क्योंकि इसमें फैटा चीज़ थी फैटा चीज़ की वजह से इसका कलर इस तरह से येलो हो गया है अब इसे हमने पोर कर देना है पास्ता पर इस तरह से हमारा जो पास्ता है वो बनकर रेडी हो गया है तो दोनों रेसिपीज़ आपने देखी होपफुली दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी तो अभी बनाएं खाएं और अल्लाह इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है चलें अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगी खैर आप मेरे चैनल पर आए रेसिपी देखी और एंड तक देखी जिंदगी रही तो इन एक और रेसिपी के साथ आऊँगी तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़